आज रिजर्व डे में खेला जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच अधूरा मैच, बारिश की वजह से कल नहीं हो सका था पूरा खेल। पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने जड़ा अर्धशतक, 4 छक्के और 6 चौके की मदद से बनाए 56 रन, वनडे में 50 बनाने वाले 8वें भारतीय बल्लेबाज बने। शुभमन गिल ने भी खेली शानदार अर्धशतकीय पारी, 52 गेंदों में बनाए 58 रन। बारिश की वजह से लगातार 3 दिन तक खेलेगी टीम इंडिया एशिया कप के सुपर 4 में कल श्रीलंका के साथ होगा मुकाबला। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के विमान में आए तकनीकी खराबी, भारत में ही रुका कनाडाई प्रतिनिधिमंडल। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में किया दौरा, लोगों का प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने कला और शिल्प मंडल का भी दौरा किया तो वहीं प्रदर्शनी का भी उन्होंने जायजा लिया। भारत मंडपम में मीडिया सेंटर भी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पत्रकारों से उन्होंने मुलाकात की। जी न्यूज ने पीएम मोदी को G20 के सफल आयोजन के लिए बधाई दी, पीएम मोदी ने अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के राष्ट्रपति के साथ बैठक की, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने की विश्व में शांति की कामना, विदेशी मेहमानों का धन्यवाद किया। खालिस्तान के मुद्दे पर ब्रिटिश पीएम ने दिलाया भरोसा, खालिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ मिलकर काम करेगा ब्रिटेन। खालिस्तानी मुद्दे पर बोले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, कहा हम हिंसा और नफरत के खिलाफ। पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी के साथ बैठक की, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। G20 के समापन पर पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया, कहा वैश्विक मुद्दों के सुझाव पर अमल जरूरी है, प्रधानमंत्री ने अमेरिका समेत सभी देशों को बधाई दी। G20 समिट के बाद बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, कहा भारत यूएस साझेदारी महात्मा गांधी के ट्रीटीशिप के सिद्धांत पर आधारित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने चीन पर उठाए गंभीर सवाल, वियतनाम में बोले खेल के नियम बदल रहा है चीन, व्यापार को लेकर नहीं है चीन की ईमानदार नीति। G20 की सफलता पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने दी बधाई, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में ये सफल शिखर सम्मेलन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने दी बधाई, कहा भारत ने G20 में एकता और शांति का संदेश देने की पूरी कोशिश की। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भी पीएम मोदी की तारीफ की, कहा G20 नेताओं ने जो घोषणा की वो एक सार्थक उपलब्धि है। पश्चिमी देशों पर सर्गेई लावरोव का निशाना, बोले पश्चिम का यूक्रेनी एजेंडा नाकाम, यूक्रेन संकट पर लगातार चर्चा है जारी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने BRI को छोड़ने के लिए संकेत दिए हैं, कहा सिल्क रोड छोड़ने से चीन के साथ संबंधों पर नहीं होगा असर। ऋषि सुनक ने चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग से मुलाकात की, ब्रिटेन की जासूसी चिंताओं से कराया अवगत। G20 समिट की सफल आयोजन पर पीएम मोदी और सरकार के मुरीद हुए शशि थरूर, कई नई दिल्ली घोषणा पत्र को बताया देश के लिए कूटनीतिक जीत। पेरिस से राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी जो करती है उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, बोले मैंने गीता पढ़ी लेकिन बीजेपी का हिंदुत्व नहीं पढ़ा। इंडिया बनाम भारत पर बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, इंडिया अलायंस सरकार को नहीं आया रास, इसी वजह से देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करना चाहती है सरकार। इंडिया गठबंधन पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा का हमला, बोले विपक्ष इंडिया के नाम पर देश को तोड़ने का काम कर रहा है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा का कांग्रेस पर आरोप, कहा भारत का पहला घोटाला गांधी सरनेम के साथ हुआ। कांग्रेस पर जमकर बरसे असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा, कहा अगर कोई डाकू कल गांधी सरनेम रख ले तो क्या वो साधु बन जाएगा। यूपी के बहराइच से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना, कहा 2024 में मोदी जी को हराने के लिए एकजुट हो गए सारे घोटालेबाज। जेडीयू MLA पंकज मिश्रा का बड़ा दावा, कहा नीतीश कुमार होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करता है भारत। मोहन भागवत ने कहा समाज के टुकड़े करने वाली शक्तियां कर रही हैं देश दुनिया का नुकसान। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास का बयान, 22 जनवरी को होगा राम मंदिर का उद्घाटन। शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा, कहा राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बन सकते हैं गोधरा जैसे हालात। TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जयपुर में राज्य सरकार के खिलाफ मुस्लिमों का हल्ला बोल, जमकर किनारेबाजी, मुस्लिम पंचायत तक में 10% आरक्षण की मांग उठी। बाबा बागेश्वर के गढ़ में हो रहा था धर्म परिवर्तन का खेल, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल, बजरंग दल के हंगामे के बाद 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया।
यूपी उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को मिली गर्मी से थोड़ी राहत, जगह जगह हुआ जल भराव। मुरादाबाद में आफत की बारिश, रेलवे स्टेशन पर भरा पानी, ट्रैक पानी में डूबे। नैनीताल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, कई जगहों पर सड़कें बंद, बिजली सेवा ठप होने से लोग परेशान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लेकिन किसानों की बढ़ गई है परेशानी, पानी में डूबी किसानों की फसलें। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से बुरा हाल, अब तक जिले की 5 सड़कें बंद, अगले 5 दिन तक तेज बारिश के आसार। चमोली में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, नीति वैली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हुई बर्फ की बारिश। यूपी के संभल में बारिश से बड़ी लोगों की मुसीबतें, जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। मध्य प्रदेश के मुरैना में बारिश के कारण रेल सेवा पर पड़ा असर, हिम्मतपुर रेलवे स्टेशन पर पटरी को पहुंचा नुकसान, 4 घंटे तक खड़ी रही हर ट्रेन। यूपी के अयोध्या में पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के पीलीभीत में कार पर गिरी हाई वोल्टेज लाइन, कार में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी। राजस्थान के भीलवाड़ा में डंपर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला कारोबार पर पुलिस का एक्शन, 300 टन कोयला समेत 3 ट्रक जब्त, 2 लोगों पर मामला दर्ज। यूपी के कुशीनगर में चोरों के गैंग का पुलिस ने खुलासा किया, गैंग के 8 चोर गिरफ्तार, 10 लाख रुपए का सामान भी बरामद। झारखंड के गोड्डा में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, 4 चोर गिरफ्तार, 6 बाइक बरामद। यूपी के कानपुर में वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़, 5 चोरों को पुलिस ने दबोचा, 6 बाइक समेत अवैध हथियार बरामद। बिहार के वैशाली में 10 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त, 1 शराब कारोबारी गिरफ्तार, 5 गाड़ियां बरामद। मध्य प्रदेश के रतलाम में युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हंगामा, झूठी शिकायतों से परेशान होकर टावर पर चढ़ गया। यूपी के जालौन में रिहायशी इलाके में निकला अजगर, ग्रामीणों ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। मोरक्को में विनाशकारी भूकंप से तबाही लगातार बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या 2100 से ज्यादा, लोगों की गई जान। मोरक्को में भूकंप की वजह से 2400 से ज्यादा लोग घायल, सड़कों पर बिखरा मलबा, गाड़ियों को भी पहुंचाया नुकसान। मोरक्को के माराकेश में घायलों की जो मदद है उसके लिए लोग आ रहे हैं आगे, अस्पतालों में खून दान करने वालों की भी लगी है लंबी कतार। मोरक्को में दिन रात चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, फायर फाइटर्स मलबे के नीचे कर रहे हैं लोगों की तलाश, कई लोगों के दबे होने की आशंका। मोरक्को में भूकंप की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, दीवार के नीचे दबने से बाल बाल बचा व्यक्ति, कई जगह जमींदोज हुई इमारतें। मोरक्को में भूकंप से तबाही का खौफनाक वीडियो सामने आया, चारों तरफ दिखाई दिया तबाही का मंजर। भूकंप के बाद मोरक्को में त्राहिमाम, कई जगहों पर गिरी बिल्डिंग्स, हजारों लोग हुए बेघर। मोरक्को में भूकंप का कहर, शादी समारोह के दौरान कांपी धरती, लोगों में मची थी भगदड़। भूकंप से तबाही के बाद मोरक्को की मदद के लिए आगे आया है कतर, राहत बचाव के लिए कतर से 4 विमान रवाना। चिली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, रेक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई है तीव्रता, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, चौथे दिन किया 80 करोड़ ज्यादा का कलेक्शन, फिल्म ने अब तक 350 करोड़ से ज्यादा कमाए। जम्मू कश्मीर में एक्टर विकी कौशल गुलमर्ग महोत्सव में शामिल हुए, भारतीय सेना ने किया महोत्सव का आयोजन, विकी कौशल ने जवानों से मुलाकात की।